आपको पता है कि लेनोवा का जो G50 मॉडल है उसके अंदर में आपको बायस में जाना है, सीमॉस सेटिंग में कैसे जा सकते हो पता है क्या? पता आपको मुझे कैसा करना है? अरे मुझे पता है, लेनोवा का लैपटॉप है ना G50 मॉडल है, G50 या 60 हो जो भी मॉडल है, इसके अंदर में एक बटन होता है, उस बटन के थ्रू आप जो है इसके बायस में या सीमॉस सेटिंग में जा पाएंगे। चलो देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ मैं कैसे। लिनोवा के बटन को प्रेस करना है, उसके बाद सीमॉस बैटरी ऑन हो जाएगी और जहां से आप बूटिंग कर पाएंगे यानी विंडोज इंस्टॉल कर पाएंगे या फिर सीमॉस सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। जिस लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं वो है लेनोवा का G50 मॉडल। G50 और G80 के अंदर में सेम ही होता है, 15 इंच के अंदर में मिल जाता है, 500 GB 1 TB के अंदर में होता है और विंडोज़ 10 इसके अंदर में है। कोराई 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं, 4 GB की रैम जिसके अंदर में है। इसकी पूरी डिटेल इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ताकि आपने अगर ये लैपटॉप परचेस किया है तो अगर आपको इसमें नया इंस्टॉलेशन करना है, नया PC या नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, विंडोज़ 10 या फिर 11, तो आप किस तरीके से डालेंगे। सबसे पहले आपको लैपटॉप जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में है, अब इसके अंदर में नया इंस्टॉलेशन करना है और नया इंस्टॉलेशन करते समय आप यहाँ पे सारे बटन्स को देख रहे हैं और इन बटन्स के अंदर में आपको कोई भी सीमॉस का यानी बायस सेटिंग में जाने वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, पावर बटन के बाजू में एक बटन दिया गया है, एक छोटा बटन है जिसके अंदर में आपको क्लिक करना है या फिर पेन वगैरह से आप इसके अंदर में इंसर्ट कर इसे प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद जब आप प्रेस करने से पहले आपको पहले कंप्यूटर को शट डाउन कर देना है, लैपटॉप को। G50 मॉडल जो आपका लैपटॉप है उसे हमने पहले शट डाउन किया और शट डाउन करने के बाद में देखेंगे कि इसके अंदर में हमें पेन ड्राइव को जो है इंसर्ट कर लेना है। जो पेन ड्राइव आप जिस पेन ड्राइव से विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो भी विंडोज़ आप डालना चाहते हैं, विंडोज़ 10, 11, 7 या फिर विंडोज़ 8, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं, अब इसे आपको यहाँ पे जो पावर बटन के बाद जो छोटा बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में यानी पावर बटन ऑन करते से उसे प्रेस कर देना है। जैसे हमने पावर बटन ऑन करते से उसे प्रेस किया, प्रेस करने के बाद हम देखेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हुआ। देखिए ऑटोमेटिकली बायस का ऑप्शन आ चुका है। अब बायस के अंदर में आप नॉर्मल बायस सेटिंग में जा सकते हैं, बूट डिवाइस के अंदर में हम जा सकते हैं, रिकवरी सिस्टम वहाँ से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है विंडोज़ इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो इस पर हमने बूट डिवाइस पे क्लिक किया और यहाँ से CD ड्राइव या पेन ड्राइव हमने ले लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड फिर से हम बता दें कि बायस सेटिंग करने के बाद में हम सीमॉस सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बायस सेटअप पे एंटर प्रेस करना है। ये देखिए सीमॉस आपका आ चुका है। इस तरीके से आप जो है लिनोवा के G50 मॉडल के अंदर में इस तरीके का बटन है जिससे आप बायस में या सीमॉस के अंदर में जा सकते हैं। अगर किसी भी लैपटॉप में ये बटन आपको दिखाई देता है इसका मतलब उसके अंदर में आपको इसी तरीके से प्रोसीजर अप्लाई करनी है। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब।